Hey friends, I hope you all are doing good. तो recently हमने Kid Shot का जो बहुत recommendation आ रही थी वो song हमने check out किया था Boom और वाकई में Boom song था. साथ में collaborate किए थे ने Lazarus और plus साथ में पाकिस्तान के एक amazing artist Thelonious G भी थे साथ में उसमें. Okay, yeah. So Krishna के साथ भी Thelonious G का आ चुका है song. Quarantine song का नाम था. तो यहाँ पर देखो Bella G भी है जो बहुत amazing artist है. इनके दो song हमने check out किया, बहुत amazing. Actually Mumtaz बहुत सुनती है उन्हें क्योंकि उन्हें हसल पूरा फॉलो किया है. तो तब से इन्होंने पूरा स्टोरी बताया, इनको पूरा सीन भी इन्होंने बताया था. हम्बल पॉड में बताया था आपने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें. तो हम्बल पॉड अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो वो जरूर चेकआउट करिएगा. बहुत अमेजिंग सॉन्ग है बेला जी का. ये वही बेला है ना? आई थिंक वही बेला हो गया. या आई थिंक सुनेंगे तो आवाज़ ही पता चल जाएगा. ओके, और फिर एक और सॉन्ग में सुना था मैं बस कहना चाहता हूँ वो भी बहुत मस्त सॉन्ग था. वो भी चेकआउट करिए, मुझे गूज़बम्स आ गए थे लिटरली वो सॉन्ग्स में यार. मतलब मस्त मस्त आर्टिस्ट है भाई. चलो भाई अब स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले लाइक करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. 3 दिन हो चुका है यहाँ पर ये सॉन्ग आकर, यहाँ पे 15,000 लाइक्स है. स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ है मुमताज, पीछे बैठे अरे भाई मैं आपका जुहान. स्टार्ट करते हैं वीडियो. जब इनका हमने एक ही सुना है Kid Shot जी का. Kid Shot आई थिंक इन्हीं है. ओके, Kid Shot जी का सिर्फ हमने एक सॉन्ग सुना है बूम, और उसी में मेरे को समझ में आ गया था. जरूर देखिएगा वीडियो. अब सब फाड़ है ना भाई, ट्रांस व्रांस बीच में बज रहा था, वो भी एकदम क्लास लेवल. बहुत मस्त लग रहा था मुझे. ओके, तभी मैंने कहा था इनके और सॉन्ग चेकआउट करके, और देखो किस्मत में नए सॉन्ग, नया सॉन्ग आ चुका है यहाँ पर. ओके, क्या कर रहे बाप? या बेशक या लोगों से कोसों में दूर रहूं मैं खुद ही, मैं घूम और सुनूं बस मेरी मैं खुद ही की धुन. कितना भी बोलूं मैं पर कभी नहीं समझोगे तुम. लोगों की भीड़ में हुआ तू गुम, तो बिड़े तू खुद ही को धुन. किया कम ज्यादा जिंदगी ने कई दफा, अब लगे मेरी माँ मुझे भूल रही. जो बचे कुछ दिन मुझे याद. एक सेकंड. किया कम ज्यादा जिंदगी ने कई दफा, अब लगे मेरी माँ मुझे भूल रही. जो बचे कुछ दिन मुझे याद लगे, उसमें भी कमी पूरी दुनिया ये ढूंढती. जो बना मेरा साथ थी वो पानी पे चले, जो ना करे यकीन मैं करूं दुआ वो समझे कि मेरी परेशानियों का कोई तो इलाज दे. मुझे जीने का इनाम दे. अब जाना चाहूं घर तक, मगर मुझे मेरे घर तक के रास्ते ने याद. मेरा बैग खाली किया, मेरे दोस्तों ने खुद छीन लिया मेरा सारा सर्वाइवल का सम्मान. मेरी कहानियां मजाक लगती है, पर मजाक से हटो तो बड़ी गहरी बात है. स्टूडियो के बाहर लगी लंबी लाइन है, मगर माइक के आगे आके ये टिक नहीं पा रहे. ना करूं फेस ऑफ, मुझे मेरे हाल पे छोड़. समझ रहे हो क्या भाई सब क्या चल रहा है? शॉट लिया जा रहा है Kid Shot के साथ. करूं महीने या दो महीने में दो शो, रहूं घर पे मैं, रहे मेरे साथ दो लोग, ताकि किसी को तो होगा मेरे जाने का अफसोस. मुझे बस मेरी खामियां ही मालूम है, गाने फेंकता ताकि किसी को तो बचाऊं मैं. कैसे मेरा पांच गुना लाऊं मैं, जो हाथ मेरे धूल में तो सोना बनाऊं मैं. 30 साल मैंने दिया है हिप हॉप को शेप, है कर रहा पेप मैं जब से गेम में. दिया मैंने हिप हॉप को या 10 के प्रेम में, तूने लेबलों से पैसा खाया 10 की जेब में. बेशक लोगों से कोसों में दूर रहूं मैं खुद ही, मैं घूम और सुनूं बस मेरी मैं खुद ही की धुन. कितना भी बोलूं मैं पर कभी नहीं समझोगे तुम. लोगों की भीड़ में हुआ तू गुम, तो बेड़े तू खुद ही को धुन. आउट चले तो सुन तो ले के क्या मेरे मन सुबे चल. आउट चले तो सुन तो ले के क्या मेरे मन सुबे चल. करा मैंने जो भी लगा मिले मुझे, काफी सारे लोग बोले तुझ में फील. बोले कर तो ये काम बिना पैसों के, पर मेरा बाप बोले कभी करो कुछ बिना फ्री. जब ही जिम्मेदारी सर पे और सर पे थे कर्जे, तभी बेटे बोई मैंने लीव नहीं ध्यान दिया फल पे. बस काम गया करते और बेटे मेरा बन गया सीन. मेरे हाथों की लकीरों से बना नहीं नसीब दिया 100. मैंने हमेशा भले दिखे कठिन, मेरे रास्ते थे लंबे पर मंजिल करीब. कभी मांगा नहीं रब से था मंदिर यहीन. किताबों के पन्नों में तुम नहीं समझोगे जो मैं बयां करूं शब्दों से. हाँ सीखा ज्यादा हूँ मैं रस्तों पे, यह पैसे नहीं लगते इन सपनों पे. हाँ 2-4 बंदे मेरे साथ एक कमरे में बैठ के देखे जो मैंने ख्वाब. मेरे घर वाले काफी हो रहे थे परेशान, बोले क्या करेगा कब करूं मैं मेरा काम. मैं करूंगा नाम छोड़ू मैं यहाँ पे जो निशान. मुझे आने वाले पीढ़ी को देने हैं ये विचार. मिले सब पर खुना नहीं कभी तू गिरे बान. मैं हूँ यही भले से जाएगी मेरी जान. मिले दोस्त मेरे जिंदगी में सबसे सही. मिला प्यार मुझे बहुत मेरा सक्सेस वही. काफी पैसों को बुलाऊं मैं हक से. नहीं जिन्हें फेम की वो भूख गिरे झट से वही. मुझे परवाह नहीं किसकी, नहीं सुनता मैं किसकी. बस परवाह है हर बारी जीत की. मैं बंदा हूँ सिद्धि, मैं बंदा बीमार ऑन द सिक लीव. तो आना मत नजदीक. नीचे मुझे मशवरे हम मस करे, हर गम को हम हंस कर ले और बस चले. बदल दूं मैं हर कमी को पैर जमी पे, आसमां में सर उड़े. यार ये मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि म्यूजिक को और ज्यादा एंजॉय करूँ और फील. लेकिन अगर मैं ज्यादा वो सब एंजॉय तो मेरे को एक्चुअली समझना है. जिस तरह की लाइन है ना तो वो सीरियस लाइन है. समझ नहीं आ रहा तो फिर वो फील वाली लाइन है. तो मतलब वो
समझने की सब लाइन समझना है, तो इसलिए मैं ज्यादा वो इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ बीट्स को, बिकॉज जो लाइन्स आ रही ना, जो बार्स आ रहे एक के बाद एक बहुत पावरफुल मीनिंगफुल लाइन्स आ रही है, बहुत ज्यादा। ओके आन दो भाई लाइन। रे हर गम को हम हंस कर ले और बस चले, बदल दूं मैं हर कमी को पैर जमी पे, आसमां में सर उड़े ये भूल गए कि हम भी ये सर फिरे, जो मर्जी थी तो हम भी ये कर गए, जो मुश्किलें भी आए तो ये हर सी नहीं तो भर दिए, जो शिकवे और हर गिले छन आउट चले छन आउट चले छन आउट चले, तो सुन तो ले के क्या मेरे मन सुबे छन आउट चले छन आउट चले छन आउट चले, तो सुन तो ले के क्या मेरे मन सुबे छन। मस्त है यार, क्या लाइंस थी बनी, पावर लाइन थी भाई, एक एक लाइन जो मीनिंगफुल थी ना भाई, बहुत फीलिंग वाली लाइन थी, इसको और भी सुनेंगे हम फटफट, उसके बाद और अच्छे से बीट से एंजॉय कर पाएंगे, समझ रहे वैसा वाला, बहुत मीनिंगफुल लाइन्स थे, एक एक लाइन्स आपको हिट करेंगे यार। बस कैसा लगा हमदास आपको ये सॉन्ग? मस्त, बहुत ही मस्त, मतलब हार्ड था बहुत, वो जो लाइंस लिखते हैं ना बाप रे, रख ले बहुत खतरा दादा, सॉन्ग से मैं चेकआउट भी नहीं किया इनके। हाँ ये सेकंड ही सॉन्ग है, पहला जी के भी अपन को पूरा चेकआउट कर से चेकआउट जी, तो हिप बॉय बहुत हार्ड सॉन्ग था भाई, उसमें मीनिंग बहुत खतरनाक मीनिंग थी भाई, और बहुत खतरनाक अपनी स्टोरी बताए भाई लोग ने, बधाई ये बोले बस पैसे नहीं कमा रहे, बोले भाई दो चार लोग ही मेरे साथ में रहते, कड़क है भाई, बहुत मस्त सॉन्ग था भाई, और भी सॉन्ग चेकआउट करके जरूर आप बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा है, कौन सा वाला हमें करना चाहिए, क्या कुछ अगर आपकी अपनी फीलिंग्स जरूर कमेंट्स में शेयर करें, कमेंट्स में ओपन है, और या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बूम जरूर चेकआउट करना, बहुत मस्त लगे आपको, तब तक के लिए।